हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मथुरा के पेड़े की रेसिपी, जो झटपट से बनके तैयार हो जाती है। कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसमें, बहुत ही कम। तो यहाँ पे हमने मावा लिया हुआ है, मावे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें, आपको जितना मावा लेना हो। यहाँ पर हमने एक कटोरी शक्कर ली हुई है और 4 से 5 इलायची ली हुई है। तो अब यहाँ पर हमने जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म हो गई है, इसमें अब जो हमने मावा लिया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और पका लेंगे। तो हमारा जो मावा है उसको हमें अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा मावा है उसको हम अच्छे से भूंज लेंगे। देखिए हमारा मावा भूंज चुका है, इसको अभी थोड़ा सा और भूनना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम बंद कर देंगे। देखिए घी छोड़ रहा है हमारा मावा। तो यहाँ पे अब हमारी शक्कर है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसी में हम इलायची भी ग्राइंड कर लेंगे जिससे वो बारीक पिस जाए। तो अब हमने यहाँ पे हमारा जो शक्कर थी उसको भी हमने मावे में मिला दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये जो अब हमारी शक्कर है इस स्टेज पे धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और जो हमारा मावा है वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छे से और एक लिक्विड टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। तो बस हम इसको अच्छे से चला के मीडियम फ्लेम पर और ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा मावा। और अब हम इसको है ना उतार लेंगे, हमारा हो चुका है। तो अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडे, देख सकते हैं आप हमारा जो मावा है वो ठंडा हो गया। जब ये मावा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको किसी भी प्लेट या थाली उसमें हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे हम स्पून की मदद से इसको हिलाते रहेंगे रूम टेम्परेचर पे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडे होने में करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको, और ये जो हमारा बैटर है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा बैटर था वो कुछ इस तरीके का हो गया है। तो जब ये ऐसा हो जाए तब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं इन्हें, आप इनको लंबा भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं और टिकिया जैसा भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम इसको इस शेप में बनाने वाले हैं। तो बस हम इसी तरीके से हमारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको दूसरी स्टाइल के दूसरी डिज़ाइन में पेड़े बनाएंगे। तो उन्हें हम थोड़ा लंबा लंबा करके बनाएंगे और जो शुगर होती है उससे हम इसको कोट कर देंगे। तो ये भी बड़े अच्छे दिखते हैं, दिखाई देते हैं बनने के बाद। तो बस मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।